मेरे पिताजी की डेथ 2018 में हुई है। 7 दिन भर्ती रहने के बाद में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और ये सात्रावास में रहेगी। मेरा नाम सीमा, पिताजी का नाम तगाराम जी है और मेरा गांव है वो कैरनाडा चौटन है। अभी मैं बींदराड़ में रहती हूँ। मेरे पिताजी की डेथ 2018 में हुई है और मेरी मम्मी जी कोरोना काल 2021 में गुजर गई है। और इसके बाद में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है कि मेरे मामा जी और मौसा जी हमें लेकर गए हैं। वहाँ ननियाल में रहती हूँ मैं। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है और मेरे एक सिस्टर और है वो यहीं पर है, मेरे साथ ही पढ़ती है 9th क्लास में। और मेरा भाई वो छोटा है, अभी 4th क्लास में पढ़ता है। मेरी मम्मी कोरोना काल में गुजरी थी और उनका इलाज कोई करवाया नहीं, इसलिए मेरे मामा जी साथ में आए यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए बाड़मेर में। वहाँ पर 7 दिन भर्ती रहने के बाद में मेरी मम्मी की डेथ हो। ये सीमा चौधरी है जो कैरनाडा की है और ये 2 साल से अभी मेरे यहाँ पर रह रही है। इसके मासा जी ने मुझे कहा था कि 2 बालिकाएं हैं जो सगी बहनें हैं और जिनके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं और ये इस छात्रावास में रहेंगी। मैंने कहा बिल्कुल इस छात्रावास में इन बच्चियों को रखा जाए। इसके बाद में ये बहुत अच्छी तरह से बालिकाएं पढ़ रही है और ये कैरनाडा की रहने वाली है और इनके शायद मामा जी और मासा जी इनका सपोर्ट भी करते हैं और इसके दादाजी वगैरह उनका भी कुछ सपोर्ट है, परंतु अगर इनके अक्षरा छात्रवृत्ति से रुमा देवी फाउंडेशन से इनका कुछ हेल्प मिल जाती है तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि ये बालिका आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी। और ये हमेशा ही अच्छी संस्कारवान बच्ची है और हमेशा ही पढ़ने के लिए बहुत आगे रहती है और बालिका छात्रावास में हर कार्य के लिए या हर चीज़ के लिए आगे रहती है और उसको भी ये नियमित जाती है। मैं रुमा देवी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ जो गांव की गरीब ऐसी बालिकाओं को छात्रवृत्ति देती है, जो बालिकाएं बिल्कुल पिछड़े वर्ग की होते, जैसे हमारी सीमा है। इन दोनों का मम्मी 2018 में इनके पिताजी का देहांत हो गया और 2023 में यानी सेकेंड 2022 में 2021 में जो कोविड की सेकेंड लहर थी उसमें उनका भी देहांत हो गया था, जिनका नाम चतुरु देवी था। तो रुमा देवी फाउंडेशन बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है इन बाड़मेर में और बहुत सारी बालिकाओं के पिछले साल भी 60 बालिकाओं को इन्होंने अक्षरा छात्रवृत्ति से नवाजा गया था बच्चियों को। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे फाउंडेशन का जो इस बाड़मेर के गरीब परिवार की बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूमा जी का।